नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। से चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। निलंबित सांसदों ने संसद परिसर में रात भर दिया धरना, सुबह चाय पिलाने पहुंचे उपसभापति। एनआईए ने तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे से 2 आतंकियों को किया गिरफ्तार। देश में बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के मामले, कई शहरों में लागू हुई धारा 144। नित्यानंद राय ने कहा कि सीमा सुरक्षा की चौकसी बढ़ाने के लिए सरकार ने उठाए कई कदम। बिहार में 28 सितंबर से कक्षा 9 के ऊपर क्लास में शुरू होगी पढ़ाई। रेलवे बोर्ड ने वंदे भारत के लिए संशोधित टेंडर किया जारी, रेलवे की कोच फैक्ट्री में बनेगी 44 ट्रेनें। गंगवार ने कहा कि लॉकडाउन से अब तक ईपीएफ से 44,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की निकासी। गृह मंत्रालय ने कहा कि देश में अब कुल 46 जिलों में ही घटकर रह गई है नक्सली हिंसा। महाराष्ट्र के पालघर के आसपास के क्षेत्र में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 3.5 रही तीव्रता। मास्क नहीं लगाने पर राज ठाकरे को भरना पड़ा 1,000 रुपए का जुर्माना। पी चिदम्बरम ने कहा कि किसानों से झूठे वादे करना बंद करे मोदी सरकार। सड़क परिवहन मंत्रालय और एनएचएआई में भ्रष्टाचार की शिकायत पहुंची पीएमओ। मेक इन इंडिया के तहत यूएई के रक्षा कंपनी से करार, भारतीय सेना को देगी 93,000 कार्बाइन। एनआईए के मुताबिक पश्चिम बंगाल में अलकायदा आतंकियों के लिए और भी लोग कर रहे हैं काम। पिछले 4 साल में 2,120 पाकिस्तानी, 188 अफगान और 99 बांग्लादेशी को मिली भारतीय नागरिकता। कृषि विधेयकों के विरोध में सड़क पर उतरेगी कांग्रेस, 24 सितंबर से देशव्यापी हड़ताल। कृषि मंत्रालय ने की राष्ट्रीय रबी अभियान की शुरुआत, कपास उत्पादन में नंबर 1 बन जाएगा भारत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम्रपाली की अटकी परियोजनाओं के लिए बैंक दे पैसे, आरबीआई करे सुनिश्चित। कोरोना काल में लोकसभा में बना नया कीर्तिमान, तय समय से 6 घंटा ज्यादा चली कार्यवाही। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि प्रेस जिस उद्देश्य के लिए है उसकी रक्षा की जानी चाहिए। भारत की शर्त, पेंगोंग, डेपसांग समेत तनातनी वाली सभी जगहों से पीछे हटे चीनी सेना। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा कि डिजिटल मीडिया फैला रहा है जहरीली नफरत और हिंसा। एनडीए ने कहा कि विपक्षी सांसदों ने किया हरिवंश का अपमान, बिहार के लोग देंगे उचित जवाब। संसद ने होम्योपैथी केंद्रीय परिषद और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद से जुड़े विधेयकों को दी मंजूरी। मुंबई में ईस्टर्न एक्सप्रेस पर कार में घुसा 8 फीट का अजगर, बाहर निकालने में सपेरों के छूटे पसीने।